देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। कह रहे हैं बगैर फैक्टराइजेशन के बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, कैसे यहाँ पे आया 1, ठीक। यूनिट प्लेस देखो, अब हम इस टेबल में देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब भी 1 होता है। तो देखो 1 का ही क्यूब 1 होता है ना, तो मैं यहाँ से 1 ले लेती हूँ, ठीक। अब क्या करना है तुम्हें, आखिर के 3 डिजिट्स को भूल जाओ। तो मैंने 331 को भूल गई, क्या बचा, 1 बचा मेरे पास, ठीक। अब देखो बच्चों आराम से समझ में, नहीं समझ में आता है तो बाकी के करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए परेशान नहीं होना। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो देखो 8 इस 1 से बड़ा है कि नहीं। मैंने क्या करा, ये लास्ट के 3 नंबर को भूल गई। एक ऐसा नंबर लाओ जिसका क्यूब या तो 1 हो या छोटा, उससे तो मुझे 1 मिलता है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 11, ठीक, सही। अब नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, हम दूसरा समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा नंबर है तुम्हारे पास 4913, ठीक। लास्ट का डिजिट देखो 3 है, 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के, तो तुम 7 लिख दो, ठीक। अब आखिर के 3 नंबर्स को भूल जाओ, क्या आया तुम्हारे पास, 4। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो 4 हो या छोटा हो 4 से। तो देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक। तो मैं 1 ले लेती हूँ क्योंकि इसका क्यूब 4 से छोटा है, तो मैं कर लेती हूँ इसे 1। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 17, ठीक। नहीं समझ में आ रहा, एक और देख लेते हैं, ठीक है। हल्के हल्के समझोगे सब समझ में आ जाएगा। अब नंबर है 12167, ये देखो किसके नंबर के लास्ट में 37 आ रहा है। तो देखो 3 में 7 आ रहा है ना, 3 के क्यूब में, तो मैं 3 लिख लेती हूँ। आखिर के 3 डिजिट्स को भूल जाओ, क्या बचा, 12। ऐसा नंबर लाओ जिसका क्यूब ये तो 12 हो या 12 से छोटा हो। तो देखो 1 का क्यूब 1, छोटा आ रहा है। 2 का क्यूब 8, मतलब जस्ट छोटा हो, 8 आ रहा है, ये भी छोटा है। 3 का क्यूब 27, ये 12 से बड़ा हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23, ठीक। आई होप अब तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है कि नहीं। चलो अब देखो तुम्हारे पास नंबर है 32768, क्या करना है, लास्ट का डिजिट ले लो, क्या है, 8। 8 किसके क्यूब में आ रहा है, 2 के, तो यहाँ पे तुम्हारे पास नंबर आ गया 2, ठीक। लास्ट के 3 डिजिट्स को भूल जाओ, क्या बचा तुम्हारे पास, 32। एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब या तो 32 हो या इससे छोटा हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, जस्ट छोटा चाहिए मुझे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। देखो 32 से जस्ट छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3, तो ये इसका क्यूब रूट बन जाएगा 32। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन ऑफ सॉल्यूशन।